सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे। जो आप प्रियो में वीडियो देख रहे हैं बबल्स वाली, तो इस टाइप की वीडियो को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये जो इफेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं बबल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इसे आपको कैसे ऐड करना है, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से देखना, तभी जाके आप इस टाइप की वीडियो को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे जो लिरिक्स का रही है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर लें, जैसे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टेप की ओर। तो एलाइट मोशन एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो प्लस पे टाइप करना है, एंड उसके बाद में 9:16 का रेशियो, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड आपको इसी टाइप से रखना, एंड उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, एंड उसके बाद में जिस साउंड पे इस वीडियो को एडिट करना हो उस ऑडियो को आपको सिंपल से एडिट कर देना, चाहे तो वो आपको मीडिया से लेना हो या फिर ऑडियो से। तो मीडिया से मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो सिंपल से आपको यहाँ पे टैप करना है, एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से ये यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप की वीडियो को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपल से यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे फिल करना होगा, तो मैं यहाँ पे पहले तो बीट को ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो सिंपल से आपको इसे कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको बीट को अच्छे से ऐड कर देना है। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे बीट को अच्छे से ऐड कर दिया, उसके बाद में इस वीडियो पे टैप करना है, एंड उसके बाद में थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिला, क्लिक करना है, देन उसके बाद में इस वीडियो पे टैप करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट हो जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे प्लस पे टैप करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, एंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर इसे लिख देना है, इतना आपको लिखना है, एंड उसके बाद में अलाइन पे टैप करना है, रोबोट लेयर पे टैप करना है। मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप के फॉन्ट को अप्लाई कर दिया हूँ, एंड उसके बाद में इसे आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है, एंड उसके बाद में कलर पे टैप करना है, व्हाइट को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद में इसे आपको बैक करना है, और यहाँ पे आपको 18 PPI पे क्लिक करना है, इसका साइज कुछ इस टाइप से इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको डन पे टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको कलर पे आना है, एंड यहाँ पे आपको दो कलर को सिंपल से ऐड कर देना है, तो कुछ इस टाइप से आपको ले आना है, इस टाइप से आपको करना है, एंड यहाँ पे जो ब्लैक है ब्लैक को यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट कर दिया हूँ, सेट करने के बाद इधर से आपको बैक करना है, और इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको इसे कलर को चेंज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको रखना है उस कलर को आपको सिंपल से यहाँ पे ऐड कर देना है, एंड उसके बाद में अब इधर से आपको सिंपल से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अपनी जो बीट है बीट के अकॉर्डिंग इस लेयर को आपको यहाँ पे ऐड करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको एक इफेक्ट को ऐड करना है, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा विप वाला। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, प्लस पे आना है, ऐड इफेक्ट पे, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से WIPE लिखना है, विप आपको मिल जाएगा। क्लिक करना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप, जो यहाँ पे फर्स्ट में एक की लगाइए इसे आपको यहाँ पे 0 कर देना है, एंड उसके बाद में जो लास्ट में एक की लगाइए इसे आपको यहाँ पे 100 पे कर देना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से बीच में आना है, एंड एंगल को यहाँ पे आपको देख लेना है किस एंगल में इसे आप रखना चाहते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से तो मैं इसे आप 350 डिग्री पे कर दिया हूँ, एंड उसके बाद में फेदर को जितना चाहे उतना आप यहाँ पे फेदर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे फेदर जो हमारा ऐड हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो इधर से आपको बैक कर देना है, तो ये जो हमारा इफेक्ट है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लग चुका है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है, प्लस पे टैप करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है, कुछ इस टाइप की आपको इमोजी को सिंपल से ऐड कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप की 3 इमोजी को ऐड करना है, एंड अलाइन पे टैप करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको जो यहाँ पे आईफोन की इमोजी होती है उन्हें आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको iOS 15 फोन करके आपको मिल जाएगा, उसे आपको यहाँ पे ऐड करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है कलर वाले पे, एंड उसके बाद बॉक्स पे ना ट्रांसपेरेंट करना है, तो हमारी जो इमोजी यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, एंड उसके बाद में डन पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको 18 PPI पे क्लिक करना है, इस टाइप से आपको साइज को इंक्रीज करना है, एंड उसके बाद में आपको बैक करना है। बैक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर ही है, तो यहाँ पे आपको आना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, एंड कुछ इस जगह पे आपको इसे सेट करना है। सेट करने के बाद सिंपल से आपको इसे अपनी बीट के अकॉर्डिंग आपको इसे ऐड करना है, यहाँ तक आपको ऐड करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको दोनों को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करना है, एंड एक ग्रुप क्रिएट करना है। ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट में मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है, फर्स्ट में एक की अप्लाई करना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे आपको आ जाना है 1:20 पे, एंड उसके बाद फिर से एक की अप्लाई कर देना है, एंड उसके बाद में अब इसे आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से
इस जगह पे नीचे कर देना है। नीचे करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो कुछ इस टाइप से हमारे जो यहाँ पे फर्स्ट कलर कंप्लीट हो। यहाँ पे आपको आगे इस जगह पे आने के बाद सिंपल से आपको इधर से प्लस पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ये जो सर्कल दिख रहा है इस सर्कल को ऐड करना है एंड उसके बाद में इस जूम वाले पे आना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है एंड कुछ जितना आपको यहाँ पे कलर जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग एंड उसके बाद में आपको बैक करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कलर पे आना है और इसका जो कलर है ब्लैक कर देना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद इस लेयर पे आना है एंड उसके बाद में इसका जो आगे का एक्स्ट्रा पार्ट से उसे कट कर देना है। तो ये हमारा लेयर यहाँ पे आ चुका है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको बॉर्डर एंड शेडो पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ स्टाइप से यहाँ पे आपको इस पर टाइप करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आना है और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर को सिंपल से सिलेक्ट कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे भी इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे जो कलर है आपको ये वाले सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे जो बीट है बीट के अकॉर्डिंग आपको इस लेयर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद अब यहाँ पे आपको इस लेयर पे या फिर इस सर्कल पे आपको इफेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको इफेक्ट पे टैप करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में सर्च करना है ब्लोवल। तो इस टाइप से आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लोवल मिल जाएगा। क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से फर्स्ट में मिलेगा रेडियस। रेडियस को यहाँ पे आपको 38 पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे 38 पे सेट हो चुका है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको डिफ्यूज एंगल इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्लिक करना है एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 235 कर देना है। 235 हो चुका है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जो तीसरे नंबर पे इसे आपको यहाँ पे 45 पे रखना है एंड उसके बाद में नीचे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको जो डिफरेंट कलर मिला है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको डिफ्यूज जो यहाँ पे मिला इस पर आपको टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से 0.70 आपको सेट करना है एंड उसके बाद में नीचे आपको मिल जाएगा स्पेगुलर इंटेंसिटी। इससे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको आ जाना है इस नीचे वाले में एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 0.05 कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको फिर से आपको नीचे दूसरे नंबर दूसरे पे नीचे वाले पे आना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे टैप करना है एंड उसके बाद में 2.40 कर देना है। तो कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको और नीचे चले जाना है इस वाले पे एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद में 31.85 सेट कर देना है। 31.85 यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद में इधर से आपको सिंपल से बैक कर देना है। बैक करेंगे तो कुछ इस टाइप से हमारा जो बबल है यहाँ पे लग गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो शेडो को यहाँ पे ऐड किया था, सॉरी यहाँ पे जो बॉर्डर ऐड किया इस पर आपको टैप करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको बॉर्डर पे सॉरी यहाँ पे आपको शेडो पे आना है। कुछ इस टाइप से आपको इसे शेडो को इंक्रीज करना है एंड उसके बाद में कलर पे आना है और यहाँ पे आपको ये वाला कलर सिंपल से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड इसके बाद में इधर से आपको बैक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है और कुछ इस जगह पे आपको इसे बीचों बीच में सेट कर देना है। इस जगह पे सेट करना है, जूम वाले पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको इसके जूम को इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐड हो चुका है। उसके बाद में इधर से आपको बैक आना है, फर्स्ट में आ जाना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है, प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में पीएनजी सॉरी यहाँ पे आपको मीडिया पे टैप करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की पीएनजी को ऐड करना है जो कि कपल इमेज होनी चाहिए। सिंपल से यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से क्लिक करना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से आ चुके हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे पहले तो लास्ट तक इसे सेट कर देना है अपनी वीट के। ये जो सर्कल है सर्कल को आपको यहाँ पे फुल वीडियो में अप्लाई करना है एंड ये जो इमेज है इमेज को भी अपनी फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा एंड उसके बाद में इस पर आपको टैप करना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे। देन उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा पहले कर देना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है एंड कुछ इस जगह पे आपको इसे सेट करना है एंड फिर से आपको इसे इस टाइप से जूम को इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद सिंपल से आपको बॉर्डर एंड शेडो पे आना है एंड कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको इसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल से इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद कुछ इस टाइप से हमारे यहाँ पे फोटो और बबल तैयार हो चुका है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और यहाँ पे आपको इस सर्कल पे टैप करना है, डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट लेयर पे करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इस डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करना है एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे नीचे सेट करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा करना है। इधर से आपको बैक करना है, बैक करने के बाद इफेक्ट पे टैप करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एस सी
इस टाइप से लिखेंगे एस सी एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको स्कोटर रिपीट आपको मिलेगा, क्लिक करना है एंड इसके बाद में स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है, कुछ इस टाइप से आप रहेगा। तो इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है और इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको फर्स्ट का जो इफेक्ट है इसे आपको यहाँ पे 5 पे सेट कर देना है। 5 पे सेट करने के बाद जो नीचे आपको दूसरे नंबर मिला इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 2000 पे कर देना है एंड यहाँ पे आपको जो तीसरा मिला है तीसरा एवलेशन पे आना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक की ऐड कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे फिर से एक की ऐड करना है एंड इसे आपको यहाँ पे एक पे सेट करना है। सेट करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद में अब यहाँ पे आपको नीचे मिला होगा कुछ इस टाइप से सीड, तो यहाँ पे आपको सीड को कुछ इस टाइप 0.10 हो चुका है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको रेंज ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा स्केल, स्केल को यहाँ पे आपको टैप करना है एंड उसके बाद में 0.60 हो चुका है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अल्फा को कुछ इस टाइप से 100 पे कर देना है और यहाँ पे आपको एक पे रखना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से हमारे जो इफेक्ट यहाँ पे लकड़ी हो गया जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में इसका जो काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप यहाँ पे काउंट को भी बढ़ा सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे काउंट हमारे बढ़ चुके हैं, तो बबल हमारे कई सारे हो गए एंड उसके बाद में तो ये जो काउंट है काउंट को यहाँ पे आपको 5 ही करना है। सिंपल से आपको इसे इतना हमारा काम हो चुका है। उसके बाद में इधर से आपको सिंपल से बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको फर्स्ट में इस जगह पे आना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, टच पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में फर्स्ट की जो लेयर इसके है उसे आपको सिंपल से यहाँ पे लिख देना है। तो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, सिंपल से इस इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लॉक पे आना है और कुछ इस टाइप के आपको सिंपल से हेड को ऐड कर देना है, कुछ इस टाइप से हो जाएगा एंड उसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस टाइप से डॉट को देना है एंड उसके बाद में आगे की जो भी लेयर्स के सिंपल से आपको इस टाइप से लिख देना है, तो कुछ इस टाइप से लिख देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको अलाइन पे टैप करना है, रोबोट लेयर पे टैप करना है और कुछ यहाँ पे कुछ इस टाइप के फॉन्ट को ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद सिंपल से कलर पर टैप करना है, टैप करने के बाद व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर देना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है एंड उसके बाद में जूम पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से साइज को इंक्रीज करना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे अच्छे से सेट कर देना है, तो बीचों बीच में यहाँ पे सेट हो जाएगी एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और उसके बाद में अब यहाँ पे आपको अपनी वीड के अकॉर्डिंग इसे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देना है एंड उसके बाद में फर्स्ट में इस जगह पे आना है एंड उसके बाद में प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड इस टाइप से आप इमोजी को ऐड करना है एंड उसके बाद में कलर पे टैप करना है एंड उसके बाद में बॉक्स पे आना है, इसे आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करेंगे तो इमोजी हमारी जो है दिखने लग जाएगी एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको अलाइन पे टैप कर देना है, रोबोट लेयर पे टैप करना है, इमोजी जो आईफोन की इमोजी होती है उन्हें आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो ये वाला फोन आपको सिंपल से यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल से आपको इसे अप्लाई करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको 18 PPI पे क्लिक करना है, कुछ इस टाइप से साइज को इंक्रीज करना है एंड डन पे टैप करना है। टैप करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस जगह पे सेट करना है, सेट करने के बाद अब इसे आपको यहाँ पे अपने बीट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको इसे फर्स्ट में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, फर्स्ट में एक की ऐड करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको इसे बीचों बीच में ले आना है, फिर से एक की ऐड करना है एंड उसके बाद में लास्ट में एक की ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको थोड़ा सा इस टाइप इस साइड को इंक्रीज कर देना है, इस टाइप से मूव कर देना है एंड उसके बाद में फर्स्ट में इस जगह पे आना है एंड इसके बाद में इस जगह पे क्लिक करके इस साइड को आपको इसे मूव कर देना है। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे मूव हो चुके हैं एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस जगह पे आना है एंड कर्व पे टैप करना है, ये वाला कर्व आपको सिंपल से ऐड कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगी एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये करो आपको सिंपल से ऐड करना है, इधर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इफेक्ट पे टैप करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है FADE फेड इन आउट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे 0.20 इस टाइप से एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको 0. इस टाइप से 20 कर देना है, तो कुछ इस टाइप से हमारे जो यहाँ पे लेयर पे जो इफेक्ट है यहाँ पे लग गया एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद इधर से आपको बैक करना है एंड उसके बाद में जो जो नीचे लेयर्स के आपको दिख रही है लेयर्स पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे टैप करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो कुछ टाइप से यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद में इस जगह पे आना है, यहाँ पे आपको फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे टैप करना है, फिर से एक की अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको बीच बीच जगह पे आना है, फिर से एक की ऐड करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से एक की ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद सिंपल से इस जगह पे जाना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इस साइड को इसे इंक्रीज कर देना है, यहाँ पे इतना हो जाएगा एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे आ जाना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे
कुछ इस साइड को आपको इसे मूव कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस पर वो जो कर्व ऐड किए थे इस पर नहीं करना है, उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अब भी देखेंगे आप क्लियर यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको करने क्या है, दोनों को कुछ इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है, दोनों को कुछ इस टाइप से आपको सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ग्रुप क्रिएट कर देना है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद सिंपल से आपको इस ग्रुप पे टैप करना है एंड लेयर पे क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इस जगह पे आना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो इसी तरीके से आपको हर एक प्लेयर पे इसी तरीके पेस्ट करना है एंड उसके बाद में आगे का जो भी स्टेप पार्ट हो इसे ड्यूरेशन पे क्लिक करके इसे कट कर देना है। कट करने के बाद अब यहाँ पे आपको इस पर टैप करना है, एडिट ग्रुप पे टैप करना है एंड उसके बाद अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इसे रिमूव कर देना है। यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एंड उसके बाद में आगे के जो भी लेयर्स के उसे आपको यहाँ पर सिंपल से एडिट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में एक डॉट देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इमोजी पे लॉन्ग प्रेस करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको आना है एंड यहाँ पे आपको ये लव वाला जो यहाँ पे हर्ट वाला आइकन है इसे आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो जो कि आपको आपके इमोजी वाले सेक्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद डन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको इधर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद हमारी जो लेयर है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको हर एक लेयर को अच्छे से एडिट कर देना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेंडिंग टोटल के साथ, तक के लिए बाबा टेक केयर, लव यू ऑल।